नमस्कार दोस्तों, आपको आरजे वर्ल्ड का स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे हैशटैग बोलो आरजे एपिसोड 15 के बारे में। या वो दोस्तों हर संडे का हमारा एपिसोड आता है, लेकिन कभी कभार ये मंडे पे भी आ जाता है। तो हमेशा की तरह बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब भी आपको मिलेगा। जो भी सवाल आप सभी ने पूछे होंगे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, वो सभी सवालों का जवाब आपको देने वाला हो। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा है नंजी महेश्वरी ने, और ये पूछते हैं रियल मी मोबाइल में थीम्स एंड फॉन्ट्स अप्लाई करने पे मोबाइल लैग होता है। हाँ भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है। जब भी आप फॉन्ट्स या फिर थीम को अप्लाई करो ना, उसके बाद फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा लैग होता है। क्यों होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन लैग होता है। मैंने भी ट्राई किया है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही लैग होता है। इसलिए मैं कभी भी थीम्स वगैरह यूज़ ही नहीं करता। मैं अपने डिफ़ॉल्ट थीम से ही खुश हूँ और फॉन्ट्स भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और जहाँ तक बात है लव यू की, तो लव यू मेरे भाई। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि पूछा है रोहित द रोस्टर ने, और ये पूछते हैं कि मेरा भी एक टेक यूट्यूब चैनल है, बट व्यू 2-3 आते हैं और सब्सक्राइबर 0, प्लीज़ हेल्प मी। भाई यहाँ पर देखो, हेल्प तो आपको किसी से भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको बस एक ही काम करते रहना है, जो कि वीडियो डालना है, रोज़ाना डालना है और अच्छे कंटेंट्स के साथ डालना है। ठीक है, मतलब अच्छा कंटेंट डालो और सबसे पहले डालने की कोशिश करो। जो भी आप डाल रहे हो टेक चैनल में, वो सबसे पहले डालने की कोशिश करो। मतलब ऐसा ना हो कि 20-25 जने डाल दिया, उसके बाद जाके आप वही सेम चीज़ बता रहे हो, तो कोई सेंस नहीं होगा। सबसे पहले डालो और कंटेंट में दम होना चाहिए और ट्रेंडिंग कंटेंट डालो, रोज़ाना डालते रहो, एक दिन ज़रूर से चैनल जो है ग्रो हो जाएगा। यहाँ मतलब बात करते अगले सवाल की, जो कि पूछा है कनाई दास ने, और ये पूछते हैं कि भाई 15 मार्च हो गया, रियलमी 3 का अपडेट कब आएगा इस महीने, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। यहाँ पर भाई देखो, रियलमी 3 हो, रियलमी 3i हो, 2 हो, C1 हो, किसी भी डिवाइस को अभी तक अपडेट नहीं मिला है मार्च के महीने का। तो थोड़ा सा वेट करो, महीने के एंड तक वेट करो। मतलब रियलमी ना ऐसा ही करता है, जब भी अपडेट देता है ना, तो लास्ट डेट में जाके देता है। सपोज आप जनवरी का महीना देखो, वहाँ पे लास्ट डेट में अपडेट रोल आउट हुआ 31 को। फरवरी का महीना देखो तो 28 को, 28 फरवरी को 4 से 5 डिवाइस को अपडेट मिला है एक साथ, बैक टू बैक बैक टू बैक। तो वैसे ही सेम टू सेम होने वाला है, टेंशन वाली बात लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, 30 तारीख या फिर 29 तारीख ज़रूर से अपडेट आने वाला है। जैसे ही आएगा धरत्र आएगा और उसके बारे में आपको ज़रूर से बता दूंगा। यहाँ मतलब बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि पूछा है रॉक अमित ने, और ये पूछते हैं कि टेक न्यूज़ सीरीज़ कब तक आएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो टेक न्यूज़ ना सभी चैनल्स करते हैं। अब किसी भी टेक चैनल को देख लो, सबके सब टेक न्यूज़ करते हैं। मतलब वो इवनिंग में आता है वीडियो जहाँ पे वो टेक न्यूज़ बताते हैं, जहाँ पे आसपास जो ट्रेंडिंग खबरें चलती है उसी के बारे में बताते हैं। तो ये ना मतलब कॉमन हो चुका है अभी, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा टेक न्यूज़। मैं तो यार टेक न्यूज़ के बिना भी डेली का 2 वीडियो डाल देता हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है टेक न्यूज़ का। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि पूछे अमित खान ने, और ये पूछते हैं कि नोट 9 प्रो वर्सेस रियलमी 6 दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो मुझे पर्सनली रियलमी 6 काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसमें पहली बात मीडियाटेक का हीलियो G92 वाला प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन के 720G से बेटर है। इसके अलावा वहाँ पे 90 हर्ट्ज़ वाले रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है, साथ में 64 मेगापिक्सल कैमरा का सेटअप भी है और चार्जर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इस वजह से मुझे रियलमी 6 बेटर लगा है। लेकिन हाँ, रेडमी नोट 9 प्रो भी अच्छा है, लेकिन हाँ मुझे इन दोनों में से रियलमी 6 बेटर लगा है, और रियलमी 6 प्रो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नोट 9 प्रो मैक्स भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि पूछा है मिस्टर ड्रैगन गेमिंग ने, और ये पूछते कि कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। भाई देखो, यहाँ पे ये है मेरे पास रियलमी C1, और जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है रियलमी C3। तो मेरे पास 2 फ़ोन है, रियलमी C1 जो कि मैं मतलब बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, C3 भी मैं यूज़ कर रहा हूँ करीब 1 महीने के आसपास हो ही गया, हाँ फर्स्ट सेल में लिया था। तो हाँ, C3 और C1 यही दोनों फ़ोन है मेरे पास। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो ये जो सवाल है ये मार्च के अपडेट के रिगार्डिंग है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है नीतीश शर्मा का, जो पूछते हैं कि मार्च अपडेट कब मिलेगा और क्या बोथ साइड जस्टिस मिलेगा रियलमी C2 को। और दूसरा सवाल यहाँ पे है रियलमी 3i में अपडेट कब आएगा विशाल राज 93 का। तो भाई मार्च के अपडेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक देता हूँ, जाके चेकआउट कर आपको पता चल जाएगा मार्च का अपडेट कब तक आने वाला है और साथ में कौन से फीचर्स के साथ आएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल से, तो वो यहाँ पे पूछा है अकीफ शेख ने, और ये पूछते हैं कि एंड्रॉयड 10 रियलमी 3i में कब आएगा, अप्रैल मंथ पे आएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो कि पूछा है अरशद राजा ने, और ये पूछते हैं रियलमी C1 2 में कलरवेस 6 को हटाकर रियलमी UI देगा नेम रियलमी वाले। नहीं देगा भाई, नहीं देगा, रियलमी 2 और C1 में कलरवेस 6 रन करेगा और हमेशा रन करेगा, उनमें अभी और कोई भी मेजर अपडेट नहीं आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, जो कि पूछा है योर गेमिंग ने, और ये पूछते हैं कि रियलमी C3 में फ्री फायर शैडो और हाई FPS ऑप्शन है कि नहीं है। हाँ भाई, पहले नहीं था, अभी आ चुका है, जो रिसेंटली अपडेट आया ना, लेटेस्ट वाला अपडेट जिसमें वो नया एक मैप भी आया है, तो उस अपडेट के जरिए आपको मतलब
वो अपडेट तो है ही, और साथ में हाई FPS वाला भी ऑप्शन आ चुका है और शेडो भी अभी आना चालू हो चुका है, तो आराम से जाके आप शेडो वगैरह का मज़ा उठा सकते हो। बात करते अगले सवाल की जो कि यहाँ पे पूछा है अमरदीप ने, और ये पूछते हैं रियलमी UI में बैटरी ड्रेन कब तक फिक्स होगा। भाई पता नहीं कब तक फिक्स होगा, लेकिन हाँ आप ऑलरेडी मेथड्स तो यूज़ करो, जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है, आपने शायद देखा भी होगा, बैटरी ड्रेन पार्ट 1 और बैटरी ड्रेन पार्ट 2, तो उस दोनों वीडियो में मैंने जो बता के रखा है ना वही यूज़ करो, उससे काफ़ी हद तक बैटरी ड्रेन जो है सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 1 में मैंने जो बताया उसको करोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा, और पार्ट 2 में मैंने जो बताया वो करोगे तो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, तो वही सब करो। अपडेट कब आएगा उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। वैसे जो बैटरी ड्रेन वाले वीडियोस है उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की जो कि पूछा है प्रशांत ने, और प्रशांत यहाँ पे पूछते हैं कि रियलमी UI का नोटिफिकेशन पैनल स्टेटस बार स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग नहीं देता, क्या ये स्टॉक एंड्रॉयड जैसे होने का चांसेस है? तो भाई मुझे ये पता है रियलमी UI के जो नोटिफिकेशन पैनल है वो One UI की तरह लगता है, बिल्कुल भी स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी जो करंट वर्जन चल रहा है रियलमी UI का उसमें शायद से कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएगा, लेकिन हाँ फ्यूचर में जाके ये थोड़ा सा और क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड ज़रूर से हो सकता है, मतलब चांसेस है, लेकिन ऑफिशियल कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। और अगला सवाल यहाँ पे पूछा है क्या रियलमी UI 2.0 सच में आएगा, क्योंकि कम्युनिटी में तो इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही, अगर आएगा तो कब? देखो भाई रियलमी UI 2.0 आएगा 100% श्योर है, क्योंकि अभी 1.0 चल रहा है, तो हो सकता है इसके बाद 1.1 आए, उसके बाद 1.2 आए, और फाइनली दोस्तों 2.0 भी आए। अब देखो 2.0 जो है ना वो एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड होगा या एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड होगा वो मुझे नहीं पता, अगर वो एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड होता है तो जितने भी नए डिवाइसेस हैं उनको अपडेट मिलेगा, और अगर वो एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड होता है तो जितने भी पुराने डिवाइस है एंड्रॉयड 10 के साथ में आने वाले वो सभी के अंदर रियलमी UI 2.0 आने वाला है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हो कम्युनिटी में मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली यार कम्युनिटी में होगा कैसे, अभी रियलमी UI 1 भी सही से रोल आउट नहीं हुआ तो कम्युनिटी में 2.0 का बात होगा ही नहीं। जो लीक्स आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, है ना, अभी वो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूँ ना रियलमी UI 2.0 के रिगार्डिंग उसमें हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाई ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक लीक है, तो लीक समझ के इसको देखो वीडियो को, और ऑफिशियल जब आएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और जहाँ तक बात है रियलमी 3 प्रो के बग्स कब तक फिक्स होंगे, तो भाई देखो बग फिक्स वाला अपडेट तो इस महीने के एंड तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया, तो वेट करते हैं मार्च के एंड तक, अगर आता है तो उसके बारे में आपको ज़रूर से बताऊँगा, और अगर नहीं आता है तो भाई फिर से पूछना पड़ेगा रियलमी वालों को, तो यही है। और बात करें यहाँ पे अगले सवाल की जो कि पूछा है बंधिया राम ने, और ये पूछते हैं कि रियलमी U1 में कब तक अपडेट आएगा। अप्रैल में आएगा, क्योंकि फरवरी में एक अपडेट आया था वन और U1 को, तो मार्च में नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, अप्रैल के महीने पे अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की जो कि पूछा है मेक SRK और फ्रेंड ने काफ़ी दिनों बाद ये भाई सवाल पूछ रहे हैं रियलमी X2 में अपडेट कब आएगा। रियलमी X2 में फिलहाल रियलमी UI जो है वो रोल आउट हो रहा है, मतलब स्टेबल वर्जन नहीं रोल आउट हो रहा, बस अर्ली एक्सेस जो आया था फॉर्म वॉर्म फिलअप करने का चक्कर था, तो जो भी लोगों ने फॉर्म को भरे थे उन लोगों को अपडेट मिल चुका है, और 0.04 वाला भी अपडेट मिला है जो कि अपने साथ में बग फिक्स को लेकर आता है। और जहाँ तक बात है स्टेबल अपडेट की सभी यूजर्स के लिए, तो मार्च के एंड से पहले रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल के मिड तक सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की जो कि पूछा है टेक्निकल सुराज सिंह ने, और ये पूछते हैं भाई रियलमी 6 प्रो में नेविक का रिव्यू वीडियो बनाओ। भाई देखो पहली बात तो मेरे पास रियलमी 6 प्रो है नहीं, और जहाँ तक बात है रिव्यू वीडियो की तो मतलब इतना कुछ है नहीं कि रिव्यू वीडियो बनाओ, मतलब उसमें बस आपको नेविक का सपोर्ट मिलता है जो कि इंडिया के इसरो द्वारा डेवलप किया गया सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप जो काम में लेते हो ना GPS वगैरह जो कि US का है शायद से, तो वही सेम टू सेम फंडा है, नेविक हमारा इंडिया का खुद का है, तो उस वजह से आपको काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्यूरेट लोकेशन वगैरह मिल जाएगा, ट्रैक पैक कर सकते हो आप, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, तो वही सीन है। और एक ऐप भी आता है प्ले स्टोर के अंदर, एक एप्लीकेशन भी है जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में नेविक का सपोर्ट है कि नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनल्स ने यार वीडियो बना के रखा है, मेरे पास तो 6 प्रो है नहीं, अगर होता तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाता। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सवाल की जो कि यहाँ पे पूछा है सुमन घोष ने, और ये पूछते हैं कि आकाश दादा रियलमी 3 प्रो ते C.03 अपडेटेड पोर्ट थे बैटरी ड्रेन खूब बेसि हो फोन हीट कर खूब एयर सॉल्यूशन की
बेसिकली ये पूछ रहा है कि रियलमी 3 प्रो में 0.03 अपडेट के बाद बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो भाई वही सेम फंडा है ना, बैटरी ड्रेन मतलब सभी फ़ोन्स में हो रहे हैं, तो उससे बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब या तो उस कलरवेज का जो लॉन्चर है सिस्टम लॉन्चर मतलब रियलमी वाई का जो सिस्टम लॉन्चर है, या तो उसको अनइंस्टॉल करो, या फिर जो मैंने पार्ट टू वीडियो बनाया था जिससे मैंने बताया था कि आप अगर ये काम करते हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हो तो बैटरी जो है काफ़ी कम ड्रेन होगा। तो अभी सिर्फ इन दोनों में से आपको कुछ एक करना होगा, या तो पार्ट वन वाला वीडियो में जो बताया वो करो, या फिर जो मैंने पार्ट टू वीडियो में बताया वो करो। और मुझे नहीं पता कि बैटरी ड्रेन वाला इशू कब तक सॉल्व होगा, क्योंकि यार जो मेरे पास रियलमी सी वन है ना, इसमें बैटरी ड्रेन जुलाई के महीने से हो रहा है, जुलाई 2019 से हो रहा है, जब से कलरवेज 6.0 का अपडेट आया था, और उसके बाद पता नहीं कितने अपडेट्स और आ गए, लेकिन अभी तक बैटरी ड्रेन इशू फिक्स ही नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि बैटरी ड्रेन वाला इशू कभी भी फिक्स होगा, तो आपको खुद से करना पड़ेगा, मैनुअली जो मेथड्स मैंने बताए वो जाकर ट्राई करो, उसके बाद शायद से बैटरी ड्रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि पूछा है संजय गुज्जार ने, और ये पूछते हैं कि रियलमी एक्स थ्री डिवाइस में 0.02 अपडेट के बाद बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या इससे फिक्स किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। भाई सेम टू सेम सवाल है और जवाब भी एक ही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो ये है रियलमी 5 प्रो और एक्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे पहला सवाल पूछा है चरणजीत कौर ने, और ये पूछते कि रियलमी 5 प्रो में बग फिक्स अपडेट और मार्च 2020 सिक्योरिटी पैच कब मिलेगा, और बैटरी ड्रेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यार हर एक सवाल में बैटरी ड्रेन, मतलब रियलमी वाले कर क्या रहे, सभी फ़ोन्स में बैटरी ड्रेन मतलब अच्छा नहीं लगता ये। जहाँ तक बात है बैटरी ड्रेन की, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और रियलमी 5 प्रो में बग फिक्स अपडेट अप्रैल के एंड तक आएगा, और जहाँ तक बात है मार्च के सिक्योरिटी पैच कब तक मिलेगा, तो शायद से मार्च में कोई भी अपडेट नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट अप्रैल में अपडेट मिलेगा, इसके जरिए बग भी फिक्स हो जाएंगे और अप्रैल के महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सवाल की, जो कि पूछा है इन्फिनिटी माहिनी, और ये पूछते हैं कि रियलमी एक्स में UI बग फिक्स कब होंगे, अप्रैल के एंड तक। और अगला सवाल यहाँ पे पूछा है अख्तार के माइंड्स ने, और ये पूछते हैं कि मुझे वाईफाई कॉलिंग अपडेट के बाद भी नहीं मिला रियलमी 5 प्रो में। भाई देखो रियलमी 5 प्रो में वाईफाई कॉलिंग आ चुका है, क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार के पास रियलमी 5 प्रो है, मैंने वहाँ पे जाके खुद ने चेक किया है, वहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है। बस फंडा क्या है मैं आपको बता दूँ, देखो आपके पास एक रियल वाला राउटर होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, और आपके पास जियो या फिर एयरटेल का सिम होना चाहिए जिसमें एक प्लान एक्टिवेट हो, मतलब 199 या फिर 149, तो आपके पास रिचार्ज भी होना चाहिए, एयरटेल या फिर जियो का सिम भी होना चाहिए, और एक ओरिजिनल वाला रियल वाला राउटर वाईफाई ओरिजिनल वाईफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे फोन से हॉटस्पॉट को ऑन कर दोगे और यहाँ से वाईफाई कॉलिंग करोगे, ऐसा नहीं होता है, आपके पास ओरिजिनल सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अपडेट आ गया है ये मुझे पता है, मैंने खुद देखा है, तो अपडेट आ गया है, टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ अगर आपको पता नहीं कि कैसे चेक करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में देता हूँ, उसको देखो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल पूछा है यश पांड्या ने, और ये पूछते हैं कि रियलमी एक्स में स्क्रीन लाइट इफेक्ट कब तक आएगा, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन में देता हूँ, जाकर चेकआउट करो। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, ये भी पूछा है अख्तार के माइंड्स नहीं, पूछते हैं कि मैंने रियलमी 5 प्रो मैनुअली अपडेट किया है, इसमें फीचर अपडेट्स आएगा ना नॉर्मली। हाँ भाई चाहे आप मैनुअली करो चाहे आप OTA के जरिए करो, OTA अपडेट सबको हमेशा मिलेगा, बस ध्यान में ये रखना कि जब भी आप मैनुअली अपडेट कर रहे हो तो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वाले साइट से करना, जो यार मैं आपको लिंक देता हूँ ना वीडियो के नीचे, हमेशा मैं बोलता हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीधा पहुंच जाओगे सॉफ्टवेयर अपडेट वाले पेज में, तो वो जो लिंक है वो ओरिजिनल वाला लिंक होता है, तो अगर उस लिंक से आप करते हो तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आपको हमेशा OTA अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहां पर दोस्तों और सवाल तो है नहीं, सारे के सारे जो सवाल है उनका जवाब आपको मिल चुका होगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वैसे 4K सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे प्यार और सपोर्ट दिखाते जाना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक ऐसे ही बने रहिए हमेशा स्मार्ट रहिए। I gotta say goodbye.